अस्सलाम वालेकुम। 15 डेज़ के अंदर मैंने अपना 5 किलो वेट लूज़ करा है और कोई डाइट नहीं करी, हार्ड एंड फास्ट ना कोई एक्सरसाइज करी है, बस छोटे छोटे चेंजेस में लेकर आई अपने लाइफ स्टाइल में और उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, रात का खाना 7 बजे खा लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो उससे क्या होता है, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। तो मैंने 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, जिस मैंने 7 बजे रात का खाना खाया और फिर अगली सुबह 14 घंटे के बाद मैंने 9-10 बजे तक नाश्ता करा। इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। फिर ये कि अपना वाटर इनटेक बढ़ाया मैंने, दिन में कम से कम 2.5 लीटर तक पानी पीना होता है, 8 से 10 गिलास पानी पीना होता है। उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, फैट सेल्स को जल्दी जल्दी ख़त्म करता है। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा उतना अच्छा सही खाना हज़म होगा और आप मोटापा आएगा ही नहीं। मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है, तो पानी बहुत अच्छा रहता है। पानी पीने से जो भूख भी कम लगती है, जब आपको दिल चाहता है कि कुछ खा लो उल्टा सीधे टाइम पे, तो आप एक गिलास पानी पी लें, आपकी हंगर सप्रेस हो जाएगी, आपकी लगेगा पेट भर गया। तो ये बहुत अच्छी है, अपने 8 से 10-11 गिलास पूरे दिन में पानी पीना है। फिर मैंने जंक फूड को अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जो पैकेट के फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, बेकरी के आइटम्स होते हैं, ये सब ख़त्म कर दिया। या लिया तो बहुत थोड़ा सा जस्ट फॉर टेस्ट, एक या दो निवाले, या बच्चों के लेज वगैरह कभी हम लोग खा लेते हैं या डोनट्स वगैरह खा लेते हैं, तो ये चीज़ें फिर थोड़ा इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इनसे बहुत मोटापा आता है, तो ये जो बेकरी के आइटम हैं इनको अवॉइड करना पड़ता है। उसके बाद मैंने वॉक बहुत करी है, तो वॉक मैंने तकरीबन डेली मैंने वॉक करी है, 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक मैं चली हूँ, तो इससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। वॉक बहुत अच्छी होती है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आपके बहुत सारे मसलों को भी हल करती है जो बॉडी में हो रहे होते हैं। ओबेसिटी और मोटापा जो है ना, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। इसी से जब हम वेट बढ़ता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और फिर एक बार शुगर हो गई तो फिर तो ज़िंदगी ही बेकार ही है। तो फिर इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी में हो रही होती है उससे भी मोटापा बढ़ता है, तो वो भी सेट हो जाती है। तो वॉक तो मस्ट है, अगर कोई जिस किसी का ओवरवेट नहीं भी है, बिल्कुल प्रॉपर वेट है, तो फिर भी वॉक लाजमी करनी चाहिए। कोई पतला है जो भी है, डेली वॉक इज़ अ मस्ट। फिर है मैंने पोर्शन कंट्रोल करा, मतलब वॉक के साथ साथ मैंने जो मैंने घर में खाना पका होता है वही खाती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेती, लेकिन बस मैंने अपना पोर्शन कंट्रोल कर दिया। जितना मैं खाती थी पहले उससे थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। दोपहर में बस एक चपाती खाती हूँ, जो भी दाल सालन बनाओ वो उसके साथ ही, और रात में फिर मैंने आधी रोटी कर दी, लेकिन अब आधी रोटी के बाद भूख तो लगेगी, तो फिर मैंने सैलेड लेना शुरू कर दिया, तो कच्ची सब्जियों का सलाद मैं ले लेती हूँ, ताकि मतलब पेट भरा रहे और कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार भी कम हो गई। रोटी को आधा कर लिया रात में, दिन में पूरी खाई, रात में सैलेड को ऐड कर लिया आधी रोटी के साथ, ताकि पेट भरा रहे। तो मैंने उसमें खीरा, टमाटर, गाजर, जो भी कच्ची लेटस लीफ, जो भी कच्ची सब्जियां होती हैं, और या तो कोई एक फ्रूट भी काट के डाल लेती हूँ टेस्ट को ऐड करने के लिए, ब्लूबेरी हो गई या फिर वो एप्पल का एक पीस काट के डालिए, ताकि टेस्ट भी डेवलप रहे, मज़ा भी आए और प्रोटीन भी इससे हमारे उस बॉडी में जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी का इनटेक करा, मैंने दिन में तकरीबन 2 कप लेती हूँ, और 2 नहीं ले पाती तो मैं 1 कप लाजमी ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। इससे भी बहुत हमारा ब्लैक कॉफ़ी के बहुत फ़ायदे हैं, जितने ज़्यादा चाय के नुकसान हैं ना, ब्लैक कॉफ़ी के उतने ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। एंटी ऑक्सीडेंट होती है कॉफ़ी, और फैटी लीवर को भी अच्छा ख़त्म करती है। लेकिन दूध वाली कॉफ़ी अच्छी नहीं होती, पहले मैं पीती थी, बट अब मैं ब्लैक कॉफ़ी, शुरू में थोड़ा मुझे मुश्किल हुआ था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता, बल्कि कॉफ़ी नहीं लेती तो फिर मेरे होने लगता है कैफ़ीन, जैसे नशा हो जाता है ना कैफ़ीन का, तो मुझे होता है कि यार आज कॉफ़ी नहीं ली। तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है ब्लैक कॉफ़ी लेना, या ग्रीन टी मैं रात में लाजमी ले लेती हूँ। और उसके बाद ये कि स्ट्रेस ना लें, वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, और 8 घंटे की नींद रात में लाजमी लेनी है। तो जब नींद पूरी होती है और आप स्ट्रेस नहीं लेते, तो अपने आप स्ट्रेस लेने से भी एक हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में, कॉर्टिसोल, और वो फिर आपको स्पेशली बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ाता है।
तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, आपने हैप्पी रहना। ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, यही हमारी बॉडी के मामलात को ऊपर नीचे करते हैं। तो ये जो मैंने रूल्स बताया ना, ये बहुत हेल्पफुल हैं। ये इससे इसको फॉलो करने से मुझे तो 15 दिन में 5 kg वेट लूज़ हुआ है। तो अनटिल एंड अनलेस कोई हार्मोनल इशू ना हो, लाइक थायराइड वगैरह ना हो या PCOS ना हो, तो ये इससे बहुत जल्दी आपको हेल्प मिलेगी। और वैसे भी जो शुरू के स्टार्टिंग के 5 kg होते हैं ना, वो जल्दी से लूज़ हो भी जाते हैं, क्योंकि वाटर वेट होता है वो, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं रोटी चावल वगैरह, वो अपने साथ वाटर को भी रिटेन करके रखती है बॉडी। तो इसलिए वो 5 kg जल्दी से हो जाता है रिड्यूस। उसके बाद फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन 15 दिन में ये मेरा हो गया, 15-16 दिन में। मॉर्निंग में उठ के मैं सिनेमन वाटर लेती थी, एक कप गर्म पानी में मैंने सिनेमन का टुकड़ा डाला, दालचीनी का, और उसको भिगो के रख दिया आधा घंटा, और उसके बाद वो पी लिया। तो सिनेमन बहुत हेल्प करता है आपके हार्मोन्स को रेगुलर करने में, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो जाती है ना, इंसुलिन बनना बंद हो जाती है बॉडी में, तो इस सिनेमन वाटर से वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाती है, रेगुलेट हो जाता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल सही रहता है। तो स्पेशली टारगेट करता है ये बेली फैट के एरिया को टारगेट करता है। तो ये मैंने मॉर्निंग में निहार मुँह सिनेमन वाटर लिया, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं नाश्ता करती थी। नाश्ते में मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ या तो एवोकाडो ले लिया, आपको दिखाया था उसका पेस्ट वो बना के, या फिर मैं वो ले लेती थी एक एग ले लिया। तो प्रोटीन लेना तो बहुत ही ज़रूरी है, प्रोटीन इन्हीं सारी चीज़ों से जो है ना, मेरा 15 दिन के अंदर 5 kg वेट लूज़ हुआ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ने बहुत रोल अदा करा है इसमें अपना, क्योंकि जब हम फास्टिंग में होते हैं तो हमारी बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए होती है, तो बॉडी इन फैट सेल्स को तोड़ के उन्हीं से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बाकी जो हम काम कर रहे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो बहुत जल्दी उससे आप ना शेप में आ जाते हैं। तो बस मैं अपना आखिरी मील जो है शाम के 7 बजे कर लेती थी, उसके बाद मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चली जाती थी। और हाँ, सोने से पहले एक कप ग्रीन टी ले लेती हूँ, सोने से पहले मैं 11 बजे तक एक कप ग्रीन टी लाजमी लेती थी, उससे मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है और हम सो रहे होते हैं और हमारी बॉडी जो है फैट सेल्स को ख़त्म कर रही होती है, उससे एनर्जी बना रही होती है, तो ये बहुत अच्छा रहता है सोने से पहले ग्रीन टी पीना। तो बस ये सब मैंने करा, पता नहीं मैं आपको समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊँगी। एक्चुअली बच्चों के साथ प्रॉपरली वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, बट इस इन पाँचों छः पाँच छः पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बताए, इसको फॉलो करके मेरा 5 kg वेट 15 डेज़ के अंदर कम हुआ है। अब स्टिल मुझे और करने, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट अब और करूँगी मैं इंशाल्लाह। तो आई होप इस वीडियो ने आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करी होगी जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।